सो हे गाइस, यू आर वाचिंग डीएससी मोटिवेशनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनविटेशन की शुरुआत कैसे करें और ख़त्म कैसे करें, कैसे एक बेहतरीन इनविटेशन हम करें जिससे कि हमें अपने बिजनेस में बहुत जल्दी सफलता हासिल हो। सभी लोगों ने कमेंट किया था कि सीनियर एक बेस्ट वीडियो बनाओ इन्विटेशन पर, तो मैंने आज एक ऐसा फॉर्मूला खुद सर्च किया है और उस पर काम किया है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उस फॉर्मूले पर काम करें और अच्छे से करें। तो उससे पहले यार, ये चैनल हमने नया क्रिएट किया है डीएससी मोटिवेशनल, इसको लाइक कर दे फटाफट से, और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पे अब आती रहेगी। उस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब हम इसी चैनल पे वीडियो डालेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फॉर्मूला है 5I। ये 5I क्या है ये समझ लिया ना तो आप इनविटेशन में प्रो प्लेयर बन जाएंगे। तो फर्स्ट लेटर हमारा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन करने के लिए बंदा एग्री है तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन एग्री नहीं है तो कैसे करें, है ना। बंदा अभी नहीं कर रहा तो क्या करें, यही मेन चीज़ है। यही मैं आपको पूरी वीडियो में ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे वीडियो भी कम जो है कम टाइम का बनेगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यार कैसे करें, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, मैसेंजर पे कर रहे हैं या डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहे हैं, आपको अपनी लैंग्वेज में इफ़ेक्टिव वर्ड लाने होंगे, इफ़ेक्टिव लाइंस आपको लिखनी होंगी, तभी बंदा एग्री हो पाएगा, ठीक है। अब हमें उसे ऐसा लिखना है, इफ़ेक्टिव वर्ड लिखने हैं कि भाई साहब मैंने आपको वहाँ देखा है, आप वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ मेरे रिलेशनशिप में मेरी बुआ है, कोई भी है वहाँ रहते हैं, आपको जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ, आपकी DP बहुत ही मस्त है, ठीक है, आप दिखने में बहुत ही मस्त है भाई साहब, आप ज़रूर कोई ना कोई बड़ा काम करते हैं, बिजनेस करते होंगे, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। तो यार ऐसी चीज़ें लिखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं रिप्लाई के। वो बंदा रिप्लाई कर देता है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, फिर आपका इंट्रोडक्शन ईजिली हो जाएगा। तो फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है। दूसरा है हमारा इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हमें क्या चाहिए, उस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बंदा में एबिलिटी क्या है, बंदे की फैमिली क्या करती है, बंदा क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट जो है हमें अभी इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें इन्फॉर्मेशन देखना है ओनली, बंदे की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब आपको उसका जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, बंदा कहाँ का है और क्या करता है, क्या करना चाहता है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता लग गई है एक्चुअली, आपको समझ आ गया इन्विटेशन आपको अब किस तरीके से करनी है। तो अब हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वहाँ पे देने होंगे जिसकी वजह से वो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर हम इन्विटेशन कर पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें कुछ अपने वीडियो, कुछ अपने स्टोरीज, कुछ अपनी फोटोज़ उसके साथ शेयर करनी होगी और उस बंदे का रिप्लाई भी उस पे ज़रूर लेना होगा, ठीक है। अब बंदा रिप्लाई दे रहा है ना तो आप कुछ अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट उसके साथ शेयर कीजिए और वहाँ पे आप बायो लिखिए, मैसेज लिखिए कि ये हमारे सीनियर है, ये ऐसी लाइफ जी रहे हैं और हम भी कुछ टाइम बाद भगवान करेगा तो हम भी पहुँच जाएंगे, हम भी उतना कमा लेंगे, ये बंदे बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ये हमसे पहले आ गए थे, काश हम भी एक साल पहले आ जाते इस यहाँ पे तो हम भी इनके जैसा आज बन जाते, ठीक है। ऐसा लिख दोगे तो बंदा थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, वो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता कि आप क्या करते हो, ठीक है। इतना होने के बाद इतना तो है, बंदा सुन रहा है तो वो मतलब आना चाहता है, ठीक है, इंटरेस्ट लेना चाहता है, कुछ करना चाहता है। अब इतना होने के बाद हमें जो फोर्थ स्टेप है इनवाइट मेथड, जो हम इनवाइट मेथड यूज करते हैं धीरे धीरे, हमें वही यूज करना है। अब उस बंदे को हमें धीरे धीरे अपने कंपनी की डिटेल बताना शुरू करनी है और वर्क के बारे में बताना है और बंदे की जो है क्या मतलब एग्री है या नहीं है वो हमें जानना यहाँ पे ज़रूरी है। अब हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं भी यहाँ वर्क करता हूँ, जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम आप बताएं कि मैं यहाँ काम करता हूँ, ये काम करता हूँ और अभी तो यहाँ पे कोई वैकेंसी वगैरह है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भैया वैकेंसी निकलती रहती है, महीने दो महीने में यहाँ वैकेंसी निकलती रहती है, यदि कोई वैकेंसी निकलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आप मेरे दोस्त बन चुके हैं, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन यहाँ पे एक जॉब नहीं है, एक फिक्स सैलरी नहीं है, ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं, यहाँ पे फिक्स सैलरी नहीं है जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, क्योंकि मैं यदि ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। यदि जॉब में भैया मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे फिर भी फिक्स ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होंगे,
कंपनी मुझे ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, ठीक है, तो वो बंदा यार एग्री हो जाएगा। इतना बोलने के बाद उस पर इतना इफेक्ट तो पड़ेगा कि हाँ उसे लगेगा जॉब से तो अच्छा है कि जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, जॉब में तो हम कितना भी एफर्ट लगा ले उतना ही मिलता है, फिक्स ही मिलता है, तो बंदा वहाँ पे एग्री हो जाता है। अब बात आती है इनविटेशन कॉल कैसे करें, लास्ट स्टेप, ठीक है। इतना होने के बाद है ना, फिर आप बता सकते हैं कि भैया वैकेंसी निकल चुकी है, ठीक है, आप अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, यदि आप इंटरेस्ट है काम करना चाहते हैं तो। मैं मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपसे, ठीक है, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छा कमाओ, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। आप जो है मुझे रिज्यूम सेंड कर देना, मैं कंपनी में लगा दूंगा, और जैसे ही आपका रिज्यूम अप्रूव होता है, ठीक है, आपको कंपनी से फ़ोन आएगा, वो आपको बता देंगे आपको आना है या नहीं, आप उनके लायक है या नहीं, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। तो यार ऐसे आपको करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जो लोग छोटी छोटी गलती करते हैं ना, वो मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो में कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको सिंपल से वे में ऐसे बातचीत करनी है और आपका काम यहाँ से बन जाएगा। तो यार आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक कर देना, और ये चैनल बिल्कुल नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धासू मतलब बहुत ही अच्छी वीडियो आएगी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।